संगठन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है जी। और जहाँ तक संविधान के अस्तित्व पर खतरा होने की बात कर रहे हैं लोग, वो मैं नहीं मानती हूँ। कोई भी शक्ति इस देश की, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि भारतीय संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान पर कोई कुछ कर सके, ऐसा उस पर कुछ नहीं होगा। संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि संविधान पे थोड़ा भी बदलाव करने की या किसी तरह की ऐसी बात करता है तो निश्चित रूप से ये गलत है, और गलत का साथ कोई नहीं देगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर मंचों से कह रहे हैं कि संविधान जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उससे सर्वश्रेष्ठ संविधान कोई भी दुनिया में नहीं है, और उसी के अनुसार देश चलेगा। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है जी। आपने कहा कानून से बड़ा कोई नहीं, पर आरएसएस जो है, जो वर्तमान सरकार को चला रही है या उसके साथ में है, पर वो लोग ये चाहते हैं कि संविधान हटाओ और मनुस्मृति लागू करें। नहीं, कोई व्यक्तिगत तो बोल रहा होगा तो वो गलत है, लेकिन जहाँ तक आप पूरे आरएसएस की बात कर रहे हैं कि आरएसएस ऐसा बोल रहा है, वो मैं नहीं मान सकती हूँ। आरएसएस कभी इस तरह की बात नहीं करता है, और यदि व्यक्तिगत कोई कुछ भी बोले उसके लिए जो बोल रहा है वही व्यक्ति जिम्मेदार है। एक सवाल और कि अगर संविधान हटता है या लागू संविधान अगर हटता है तो क्या आप महिलाओं को अधिकार मिलते रहेंगे क्या? संविधान कभी नहीं हटेगा। संविधान को हटाने वाली कोई भी शक्ति कमजोर तो क्या है, कोई शक्ति इस देश में नहीं है जो संविधान को कमजोर करे, संविधान को हटाए। वो तो हो चुका, कमजोर तो हो चुका मैम। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तरह तरह के सवाल करो, लेकिन संविधान कमजोर नहीं है। नहीं, आपके कहने से नहीं, वो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। उनसे बड़ा कोई नहीं है इस देश में जी। तो आप भी मानते हैं कि संविधान कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कहीं रहने की कोशिश करे, उसके लिए हम लोग सब मिलकर के उसका विरोध करेंगे जी। एक छोटा सा सवाल और, क्या आप चाहती हैं कि बहुजन समाज की कोई महिला या कोई पुरुष यहाँ का प्रधानमंत्री बने? बहुजन समाज का दुर्भाग्य है कि वो संगठित नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यदि उस मूल मंत्र को बहुजन समाज का व्यक्ति मानता तो वो केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहता, उसके हाथ में सत्ता होती। लेकिन बहुजन समाज के हमारे बंधुओं का हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक नहीं है, हमारे आपस में ही कई तरह की जातियां, उपजातियां उपज कर आई है। ये दुर्भाग्य की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूल मंत्र पे हम लोगों को अडिग रहना चाहिए कि संगठित रहो।